डील खत्म, सारा नाटक खत्म। सच्ची? मेरी नजर उस चीज पर है जो हमारे पीठ पीछे बिल्ड हो रही है, वह प्रिया और राम की नजदीकी। ऐसा ना हो कि राम प्रिया को शिवी की मौत के लिए माफ कर दे। यार राम को पीहू का सच पता चल गया तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बच्ची, मेरी शिवी को उसने मार डाला। मैं कैसे ना करूं, कैसे नफरत ना करूं? मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। कि तो अब भी उस हादसे में जी रही है, क्या ये सच में इस हालत में मेरे साथ इतना बुरा क्यों नहीं कर सकती प्रिया? इनका अपने दिमाग पर काबू नहीं है इस हालत में, तो ये तेरा बुरा क्यों नहीं कर सकती? पहले भी तो धमकी दे चुकी है ना तुझे, तो इस बार भी ये चूकेंगी नहीं। ईशान और पीहू को नुकसान नहीं, मुझे इन पर शक है, इसका इन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हर रात मेरी शिवी मेरे सपने में आती है, चिल्लाती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसे नफरत ना करूं मैं प्रिया से? करती हूं, बहुत नफरत करती हूं मैं प्रिया से। नंदिनी आज तुझे फिर से ड्रामा करना पड़ेगा राम को अपनी मुट्ठी में लाने के लिए। आज आज जब मुझे वो पैनिक अटैक आएगा तब वो प्रिया देखेगी कि राम मुझे कैसे चुनता है, फिर से हर बार की तरह अपनी बेचारी जान से प्यारी मां को। क्रिश बेटा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे? तुम डोंबिवली गए थे प्रिया की ड्रीम ड्रेस लाने के लिए? जी मैं गया तो था, लेकिन मुझसे पहले वहाँ राम पहुँच गया वो ड्रेस। या शायद तुम लेट हो गए। पॉइंट ये नहीं है कि मैं लेट हो गया या तुम जल्दी पहुँच गए, पॉइंट ये है कि तुमने ऐसा किया क्यों? क्या किया मैंने? जिस इंसान से इतनी नफरत करते हो उसके लिए इतनी तकलीफ उठाई तुमने? ये वो अपसेट थी मुझसे और इस डील के लिए उसका उनसे खुश रहना बहुत जरूरी है। तो और मैं ये जानता हूँ कि वो प्रिया के लिए ड्रेस गिफ्ट करना चाहती थी, तो सिर्फ इस डील के लिए ताकि उसे खुश रहे उसके लिए मैंने ये किया है। Then it's okay. वैसे मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की या कुछ किसी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हें परमिशन दे भी नहीं सकता राम। ऑफ कोर्स प्रिया के हस्बैंड थोड़ी हो तुम। दैट्स राइट, ये बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता कि मैं प्रिया का हस्बैंड नहीं हूं, लेकिन प्रिया के हस्बैंड तो अब तुम भी नहीं रहे राम। क्रिश, क्रिश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। सर वो आप एक बार पार्टी के प्लान के अरेंजमेंट्स देख लेते तो, एक्चुअली वृंदा दी सारी डेकोरेशंस कर रहे हैं। पहले बर्थडे गर्ल से तो पूछो, उसे हमारे साथ बर्थडे मनाना है या क्रिश के साथ अकेले में। सो वाइफ के बर्थडे के लिए क्या स्पेशल प्लान है मिस्टर कपूर? मैं ये प्लान करने जा रहा हूँ मैं, सॉरी एक्सक्यूज मी। ओह मिस्टर खरुस तो चले गए, मुझे उनको थैंक यू बोलना था और माफ भी तो करना था डिनर डेट के लिए। मैं उनको थैंक्स बोल के आती हूँ।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.